व्हाट्सएप अब एक ऐसी एप्लीकेशन बन चुकी है जिसके बिना लोगों का दिनचर्या पूरा नहीं होता। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 420 मिलियन लोग पूरी दुनिया में एक दिन में व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब जब 420 मिलियन लोग पूरी दुनिया में एक दिन में व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम संभल कर इस्तेमाल करें। लेकिन इन दिनों एक ऐसी तस्वीर और कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जो इससे बिल्कुल विपरीत हैं। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर गलत मैसेज फैलाकर समाज में जानबूझकर असंतोष फैलाने की कोशिश करते हैं। असल में एक एडिटेड तस्वीर और मैसेज इन दिनों वायरल हो रहा है। जरा सुनिए क्या है वो मैसेज और कौन सी है वो तस्वीर। आज रात 12 बजे से 3:30 बजे तक अपना मोबाइल अपने पास मत रखना और स्विच ऑफ करके रखना मोबाइल। फट सकता है मोबाइल। ताजो शरिया मक्के मदीने में है, उन्होंने कहलवा कर भेजा है ये मैसेज। उन्होंने ये कहलवा कर भेजा है कि अपना फ़ोन अपने पास मत रखना, आज रात पृथ्वी पर कोई खतरनाक शैतान आने वाला है। इस तस्वीर को राक्षस बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज रात ये पृथ्वी पर आने वाला है। अब जरा ये बताइए मोहतरमा कि फोन स्विच ऑफ करने का क्या मतलब है? क्या फोन के जरिए कोई राक्षस निकलने वाला था? अजीब है, इस तरीके की अफवाहें फैल भी जाती हैं, देश विदेश तक इसे वायरल किया जाता है। एक जनाब तो ऐसे थे जिनका कहना था कि राक्षस सऊदी अरेबिया से आया है। जरा इनकी भी दकियानूसी बात सुन ही लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये अभी अभी सऊदी अरब से मैसेज आया है मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे मामलात कुछ यहाँ पे चल रहे हैं, शैतानी मामलात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में यही आलम हो रहा है। तो उन्होंने इस मैसेज को डाला है, तो इसमें इतनी एहतियात हम बरत सकते हैं, क्योंकि जब किसी का मक्के से और मदीने से कोई नाम जुड़ जाता है तो उसमें ध्यान रखा जाता है बड़े भाई। पर इसके अंदर जो है, अभी अभी मेरे पास आया सऊदी अरब से भाई 1 घंटे पहले, तो मैंने सारे ग्रुप में सब लोगों को जितने ही मिलने वाले हैं भेज दिया। अब आखिर में हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इस तरीके की अफवाहों को तुल ना दें। अगर ऐसे अंधविश्वास भरे मैसेज आप तक आते हैं तो लोगों को समझाएं कि इस तरीके के मैसेजेस में कोई दम नहीं है, समाज में शांति फैलाने में योगदान दें। फाइनल कट न्यूज डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।